नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी आई होप आप सब ठीक होगी आज के वीडियो में बात करेंगे वनपाल वन, वन रक्षक वन भर्ती दो हजार बाईस के तीस में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों आप फटाफट करते हैं प्रश्नों को स्टार्ट बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में तो दोस्तों राजस्थान राज्य का लिंग अनुपात कितना है क्या बताना दोस्तों राज्य का लिंग अनुपात बताना चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों नौ नौ सौ पैंतालीस नौ सौ चौरानवे नौ सौ तो दोस्तों पहले का आंसर क्या होगा नौ सौ लिंगानुपात राजस्थान का लिंगानुपात नौ सौ है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने राजसमंद प्रतापगढ़ डूंगरपुर धौलपुर तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का दोस्तों राजसमंद जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कितना है दोस्तों राजसमंद का लिंग जिले का लिंगानुपात नौ सौ है कितना दोस्तों नौ सौ है नेक्स्ट बात करें राजस्थान राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है क्या बताना न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है दोस्तों तो कौन सा है दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है चार ऑप्शन आपके सामने डूंगरपुर जैसलमेर धौलपुर और जोधपुर तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा धौलपुर आंसर करेक्ट होगा कितना है न्यूनतम न्यूनतम है दोस्तों आठ सौ छियालीस कितना दोस्तों आठ है नेक्स्ट बात करें राजस्थान का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है क्या बताना है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने एक नवंबर तीस मार्च छब्बीस जनवरी व तीस नवंबर तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तीस मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस जाता है नेक्स्ट बात करें राजस्थान में राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया क्या बताना? राजस्थान के के पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया चार ऑप्शन आपके सामने हैं उन्नीस सौ पिचपन उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ सत्तावन और उन्नीस सौ अट्ठावन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उन्नीस छप्पन में नेक्स्ट बात करें वर्थ राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था तो दोस्तों क्या बताना है वर्थ राजस्थान का प्रधानमंत्री बताना है दोस्तों तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं ईरा लाल शास्त्री अशोक गहलोत सी एस वट्टाचार्य नारायण व्यास तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ईरा लाल शास्त्री राजस्थान के वर्थ राजस्थान के प्रधानमंत्री थे नेक्स्ट बात करें दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया क्या बताना है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त उन्नीस ऑप्शन बी 8 मार्च 1950 ऑप्शन सी 1 नवंबर उन्नीस ऑप्शन डी ती तेईस मार्च उन्नीस को तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक नवंबर उन्नीस को राजस्थान ना दिया गया नेक्स्ट बात करें राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण एक की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी क्या बताना राजस्थान के एकीकरण एक की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों उन्नीस को उन्नीस को उन्नीस को उन्नीस को उन्नीस सौ बावन को तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उन्नीस सौ अड़तालीस इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है राज्य रा, राजस्थान का राज्य नृत्य बताना दोस्तों चार ऑप्शन आपसे आपके सामने कथक गुमर तेराताली गेर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गुम्मर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है क्या बताना है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बताना दोस्तों आपको कथक गुम्मर चंग और तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कथक इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राज्य के किस जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है क्या बताना राजस्थान के किस जिले को अन्नागार बोला जाता है चार ऑप्शन आपके सामने हैं जयपुर जैसलमेर प्रतापगढ़ और गंगानगर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गंगानगर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राज्य के किस जिले को राजस्थान के फलों की नगरी कहा जाता है क्या बताना है राजस्थान के जिले को फलों की नगरी कहा जाता है चार ऑप्शन आपके सामने हैं अजमेर बीकानेर श्री गंगानगर जोधपुर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीगंगानगर इसको करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान के जिले को सावर्ण नगरी, नगरी के नाम से जाना जाता है क्या बताना है कि जिले को सावर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है चारों ऑप्शन आपके सामने अजमेर जैसलमेर उदयपुर बीकानेर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है क्या बताना है राजस्थान किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है चार ऑप्शन आपके सामने हैं अजमेर बिकानेर जोधपुर और जयपुर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बिकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है नेक्स्ट बात करें राजस्थान किस जिले को म्यूजियम सिटी कहा जाता है क्या बताना है जिले को क्या कहा जाता है म्यूजियम सिटी की जिले को कहा जाता है चार ऑप्शन आपके सामने जोधपुर जयपुर जैसलमेर व उदयपुर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है क्या बताना है राजस्थान के जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है चार ऑप्शन आपके सामने उदयपुर जयपुर जैसलमेर व जालोर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान में चेचक की देवी के लिए प्रसिद्ध है वाली माता शीतला माता आजमा माता छिंक माता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा शीतला माता नेक्स्ट बात करें राजस्थान की एक माता देवी जिसके खंडित रूप से पूजा पूजा जाता है वह है शीतला माता जीण माता सकराई माता लटियाला माता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा शीतला माता ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान में लघु दुर्ग कहाँ स्थित है क्या बताना है लघु कटार दुर्ग कहाँ स्थित है चार ऑप्शन आपके सामने मेरंगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग गागरोन दुर्ग कुंबलगढ़ दुर्ग तो कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है कुंबलगढ़ कुंबलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग स्थित है नेक्स्ट बात करें जीर्ण माता किस राजवंश की कुलदेवी है क्या बताना है जीर्ण माता किस राजवंश की कुलदेवी है चार ऑप्शन आपके सामने हैं कछावा वंश की चौहान वंश की सिसोदिया वंश की परमार वंश की तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है जीर्ण माता नेक्स्ट बात करें किस नेक्स्ट बात करें देव सोमनाथ का मंदिर मूलता है किस नदी के किनारे बना हुआ है क्या बताना सोम सोमनाथ मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे बना हुआ है तो चार ऑप्शन आपके सामने है सोम नदी जाखम नदी चंबर नदी और साबरमती नदी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साबर सोम नदी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा सोम नदी नेक्स्ट बात करें बेली बेल किसन रुक्मणी रिक पर की शैली के अंतर्गत बनते हैं चार ऑप्शन आपके सामने हैं अलवर शैली जयपुर शैली मारवाड़ शैली बूंदी शैली तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी मारवाड़ शैली इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्त का संबंध किससे है क्या बताना है रीमा दत्त का संबंध किस खेल से है तो चार ऑप्शन आपके सामने क्रिकेट तैराकी हॉकी निशानीबाजी तो इसका करेट आंसर क्या होगा तैराकी से संबंधित है रिमादत नेक्स्ट बात करें प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है क्या बताना बम नृत्य किस क्षेत्र का है तो चार ऑप्शन आपके सामने भरतपुर, जैसलमेर जोधपुर व जयपुर तो बमनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों बर्तपुर का, दोस्तो? का प्रसिद्ध ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें अग्नि नट्टे का उद्गम इस उद्गम किस जिले में हुआ था क्या बता ना अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था चार ऑप्शन आपके सामने चोरू बाड़मेर बिकानेर व जोधपुर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट बात करें अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था तो चार ऑप्शन आपके सामने राजा जलाल खा मान सिंह भगवत दास तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों जलाल खा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जलाल खा होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो कपिल मेल क्या बताना दोस्तों कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है चार ऑप्शन आपके सामने गंगानगर हनुमानगढ़ बिकानेर व होगा तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें राजस्थान में वीरपुरी मेला का आयोजित किया जाता है क्या बताना है वीरपूरी मेला का आयोजित किया जाता है तो चार ऑप्शन आपके सामने पाली राजसमंद जोधपुर व सिरोही तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जोधपुर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट बात करें गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था क्या बताना है गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था तो चार ऑप्शन आपके सामने कोलमंद में रोनीचा में दादेरवा में खरनाल में तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दादेरवा में गोगा जी का जन्म हुआ था नेक्स्ट बात करें निम्न में से किस जगह गोगा जी की मृत्यु हुई थी गोगा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी चारों ऑप्शन आपके सामने शेर से मेडी दादेरवा गोगा मेडी उपयुक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गा, गो, गा में गोगा जी की मृत्यु हुई थी ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें थैंक यू जय हिंद जय भारत मिलते हैं किसी फिर अगले वीडियो में